सबसे पहले तो मैं अपनी मैनेजमेंट का थैंक यू करूंगा क्योंकि जिस तरह के लास्ट दो मैचेस मेरे गए थे अनफॉर्चुनेटली ऐसा जितने अच्छी फॉर्म नहीं लग रही थी लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी जो प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस थी उस पर देखते हुए मेरे पे ट्रस्ट किया और मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दी जी जैसा कि अर्ली हमारी विकेट्स गिर गई थी लेकिन फिर भी भाई एक एक्सपीरियंस प्लेयर हैं जब वो अंदर आए हैं तो मुझे एक हेल्प उनसे यह ज़रूर मिली कि वो एक स्ट्रोक मेकिंग प्लेयर हैं तो उन्होंने रनस को चलाए रखा जिसकी वजह से मुझे भी सपोर्ट मिलती रही और मैं भी उनके साथ रनस को चला के रख रहा था रोटेट करा था स्ट्राइक तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि मेरे पे प्रेशर नहीं आ सका आसिफ भाई ने बड़ी अच्छी इनिंग को बिल्ड किया और मैं उनके साथ साथ बस सपोर्टिंग रोल प्ले करता गया यहाँ पे मैं पूरा क्रेडिट बलोचिस्तान के फास्ट बॉलर्स को दूंगा जिसमें ताज वली और मोहम्मद तला भाई खेल रहे हैं उन्होंने बड़ी अच्छी लाइन पे नया बॉल किया और हमारे प्लेयर को जो है वो गलती करने पे जो है मजबूर किया जिसकी वजह से हमें इनिशियली विकेट जो है इनिंग में लूज़ करनी पड़ी हमारी दफ़ा जो जम मॉइस्चर का इस्तेमाल करना चाह रहे थे पिच में मौजूद था लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉलिंग मैं समझता हूँ कि उस एरिया पर या उस लेंथ पे हिट कंटिन्यूसली नहीं हो सकी क्योंकि गैप आ गया था बीच में जो एक हफ्ते का गैप था जिसकी वजह से हमारे प्लेयर वापस कम बैक कर रहे थे तो अनफॉर्चुनेटली वो रिदम या वो एरिया हमारे बॉलर नहीं पकड़ सके जो बलोचिस्तान के बॉलर्स ने पकड़ा और इनिशियली हमारी तीन विकेट जो है वो पांच के मजूरी टोटल पर उन्होंने हासिल की डेफ़िनेटली जी जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैं मैनेजमेंट का थैंक यू करता हूँ कि उन्होंने मेरे पर ट्रस्ट करते हुए अपॉर्चुनिटी दी तो एक अच्छा बॉल बैट में आ रहा था इसमें इनिंग में मैं अच्छा फील भी कर रहा था और जिस तरह बाउंड्रीज़ मिलती जा रही थी तो अनफॉर्चुनेटली uh, बीच में मैं कहूँगा कि एक ड्रिंक्स ब्रेक आ गया जिसकी वजह से हमारा मोमेंटम टूट गया मेरा और मोहम्मद नवाज़ का तो ड्रिंक्स के फ़ौर बाद ही मैं आउट हो गया तो uh, जो सेंचुरी ना करने का दुख है वो तो डेफ़िनेटली बहुत बड़ा है लकीली uh, हमारी जो बैटिंग uh, लाइनअप है वो काफ़ी लंबी है और अभी हमारे पास बैटिंग नीचे जो है वो मौजूद है जिसमें हमारे विकेट कीपर बड़े टैलेंटेड बैट्समैन हैं उमेर मसूद और अभी नेक्स्ट टू इन जो है वो uh, आमिर जमाल हैं तो हम अच्छी अभी भी पार्टनरशिप लगा के नवाज भाई अंदर ही हैं और अच्छा खेल रहे हैं तो उनके साथ डेफिनेटली यंगस्टर्स भी चिप इन करेंगे तो एक अच्छा टोटल बोर्ड पर लगाने की कोशिश करेंगे जिसके साथ अच्छी फाइट हो सके बिल्कुल एक अपकमिंग प्लेयर या एक यंगस्टर के लिए बड़ा अच्छे अपॉर्चुनिटी है ये प्लेटफॉम है कि जिस तरह मैच टेलीकास्ट हो रहे हैं वो क्विकली uh, जो है वो परफॉर्म करके अपने आप को जो है लाइमलाइट में लेके आ सकता है जिस तरह इस साल हमारे तीन मैच जो हैं वो पीटीवी uh, टी पर लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे और लास्ट ईयर भी जो था वो uh, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी मैचज़ के ग्राउंड से तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर के लिए कि वो अपनी अच्छी परफॉर्मेंसेज के साथ अपने आप को जो है वो बहुत तेज़ी के साथ लाइम में ला सकता है और स्पॉट में आ सकता है अपनी अच्छी परफार्म की बेस पर